Good morning students. Today we shall learn EVS class 5th lesson 1. EVS के अंदर हम पढ़ेंगे जो environment study है हमारी और जो science है वो mix पढ़ाई जाती है इसमें. तो let's start, देखते हैं आज का पहला lesson. पहला लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी बुक से EVS की सभी बच्चे सामने रख लें और लाइन के साथ साथ उसको पढ़ते जाएं, कोई भी समझ. आइए स्टार्ट करते हैं. टॉपिक नेम इज इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सिस्टम. टॉपिक नेम इज इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. इंटरनल होते हैं आंतरिक ऑर्गन्स, अंग होते हैं ऑफ द बॉडी में शरीर के. तो यहाँ से हम इसको समझेंगे शरीर के आंतरिक अंग हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. चैप्टर 1 है बच्चों, ध्यान से देखना. तो शुरुआत करते हैं इसकी. ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन. जो मानव शरीर है वो एक मशीन के जैसा है. ह्यूमन मीन्स मानव, बॉडी मीन्स शरीर, लाइक मीन्स जैसा, मशीन मीन्स मशीन. तो मानव शरीर है वो एक मशीन जैसा, क्योंकि हम इससे बहुत सारे काम करते हैं जैसे मशीनों से करते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. इट इज़ मेड अप मीन्स बना होता है बहुत सारे अलग अलग आंतरिक और बाहरी अंग. जो इंटरनल होते हैं आंतरिक और एक्सटर्नल होते हैं बाहरी अंग से बना होता है. बहुत सारे अलग अलग जो अंग हैं आंतरिक और बाहरी अंगों से ये बना होता है. जैसे हमारे इंटरनल अंग हो गए कौन कौन से, जो अंदर अंग हैं हमारे शरीर के अंदर, वो दिल होगा, किडनी होगी, फेफड़े, लंग्स, जैसे ये सारी चीज़ हमारे क्या हैं अंदर. और बाहर वाले जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या हैं, आँखें होगी, ईयर हो गए, नोज हो गए, लेग हो गए, फिंगर्स, ये सारे क्या हैं, यानी जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर से दिखाई दें और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर से दिखाई न दें. दीज ऑर्गन्स आर इंटरलेटेड टू ईच अदर. ये एक दूसरे से तालमेल रखते हैं, जुड़े होते हैं. एंड द गाइड द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. और विभिन्न प्रकार के जो काम हैं उनका क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं. जैसे हमारी आंखें हैं वो कोई काम करेंगे तो बताएंगे कि भाई यहाँ हमें चलना है, यहाँ नहीं चलना. तो इस प्रकार से गाइड करते हैं, गाइड मतलब मार्गदर्शन करती हैं विभिन्न क्रियाकलाप जो हमारे शरीर के अंदर होती है उनका. सॉरी, आगे देखते हैं. ग्रुप ऑफ दीज ऑर्गन्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. ग्रुप ऑफ दीज ऑर्गन्स, इन अंगों का जो समूह है जो एक विशेष प्रकार का टास्क मिस कार्य करता है, स्पेसिफिक विशेष टास्क कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है. यानी जो ऑर्गन्स का जो ग्रुप है वो एक कोई विशेष कार्य को अंजाम देता है, वही जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है. द बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम वर्क टुगेदर विद द मस्कुलर सिस्टम. जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, जो अस्थि तंत्र होता है हमारा, स्केलेटल मींस होता है जो कंकाल होता है वो, या हड्डियां तंत्र होता है, उसके साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, मस्कुलर सिस्टम मांसपेशी तंत्र के साथ मिलकर एक साथ क्या करती हैं, काम करती हैं. विच ही हेल्प्स टू मूव, जो चलने में या फिरने में मदद करते हैं. द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. जो हमारे ब्लड के अंदर, द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम अब्जॉर्ब. जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है, खून होता है, वो अब्जॉर्ब सोख लेता है न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व होते हैं. एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो पाचन तंत्र होता है उसके अंदर से जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं और ऑक्सीजन होती है उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा. अब्जॉर्ब सोखना, सोख लेना. एंड ब्रिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. और ब्रिंग मीन्स ले जाया जाता है अलग अलग भागों के शरीर में. इट आल्सो ट्रांसपोर्ट बॉडी वेस्ट टू द ट्रांसपोर्ट्स बॉडी वेस्ट्स. जो वेस्ट क्या होते हैं, जो मल होता है वो होता है, टू द एक्सेट्री सिस्टम फ्रॉम वेयर इट एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी. ध्यान से देखना बच्चों, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट बॉडी वेस्ट. यह हमारे शरीर का मल उसका भी परिवहन करता है, संवहन करता है, जो निष्कासी सिस्टम होता है उसके द्वारा, वेयर जहां पर जो मल है वो एक्सपेल्ड मींस बाहर फेंक दिया जाता है शरीर से.
We will now study sixth main organ system. Sorry, we will now study sixth main function of some of the major system in our body. हम छह प्रकार के मुख्य जो मैन कार्य करते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला यहाँ पर हमारा होता है जो कार्य है, फंक्शन है, वो है प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट, बचाव और गतिविधियाँ. रेस्पिरेशन, श्वसन. डाइजेशन होता है पाचन. ट्रांसपोर्ट, परिवहन या संवहन. रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी मल को बाहर निकालना. और कंट्रोल होता है नियंत्रण. ये सिक्स जो मैन थे, फंक्शन थे. अब आगे देखते हैं प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट. जो प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट जो मैन फंक्शन है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पर हम देखेंगे. द स्केलेटन सिस्टम, जो अस्थि तंत्र होता है हमारा, हड्डियों का तंत्र होता है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं द फ्रेमवर्क ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप बोन. जो हमारा फ्रेमवर्क है, हमारे शरीर का जो ढांचा है, फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा है, वो मेड अप बना होता है किसका, बोन का. हड्डियों का बना होता है हमारे शरीर का जो ढांचा होता है, किसका बना होता है, वो हड्डियों का. बोन्स मीन्स हड्डियाँ. मेड अप मीन्स बना होता है. दिस फ्रेम ऑफ बोन्स गिव्स शेप टू द बॉडी. ये जो फ्रेम है, ये जो ढांचा है हड्डियों का, ये हमारे शरीर को शेप मीन्स क्या देता है, आकार देता है. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर सपोज करो किसी की हड्डियाँ बोन्स टूट जाती हैं तो वहाँ से शेप बिगड़ जाती है. तो जो बोन्स होती हैं वो हमारे शरीर को, बॉडी को क्या देती हैं, कि स्पेसिफिक शेप देती हैं. शेप मीन्स आकार. द बोन प्रोटेक्ट ऑर्गान्स लाइक हार्ट, लंग्स, ब्रेन etc. जो हड्डियाँ हैं वो प्रोटेक्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है सुरक्षा, बचाव. तो ये हड्डियाँ हमारे अंगों की रक्षा करती हैं, बचाव करती हैं. कौन कौन से होते हैं इसमें, हार्ट की यानी दिल की, लंग्स फेफड़े और दिमाग ब्रेन की, इनकी क्या करती हैं, ये सुरक्षा करती हैं. कौन करती हैं, जो बोन्स होती हैं वही करती हैं. द बॉडी ऑफ एन अडल्ट हैज, द बॉडी होती है जो अडल्ट होता है उसकी जो बॉडी है उसके अंदर 206 बोन होती हैं. जो अडल्ट जो युवा होता है उसके शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं. अब बच्चों ध्यान से देखना, और ये इम्पोर्टेंट है, जो एसटेट सीटेट का एग्जाम देते हैं उसके अंदर, ईवीएस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं. तो जो विद्यार्थी एसटेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बच्चे, वो इसको ध्यान से देखना. All bones are different in the shape and size. सभी हड्डियाँ क्या होती हैं, आकार में और रूप में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, विभिन्न होती हैं. These bones together make skeleton system. ये हड्डियाँ एक साथ मिलकर टुगेदर मीन्स एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, अस्थि तंत्र बनाती हैं, या हड्डियों का तंत्र बनाती हैं, कंकाल बनाती हैं. They also provide स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स. ये क्या उपलब्ध करवाती है, बहुत ही मजबूती, किसको, मांसपेशियों को उपलब्ध करवाती हैं. प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराना, स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्पोर्ट मीन्स सहायता, मसल्स मीन्स मांसपेशियों को एक मजबूत सहायता प्रदान करती हैं. कौन, बोन्स. द बेबीज आर बोर्न विद 350 बोन्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो बड़े बच्चे इसको देख रहे हैं स्टेट में, सी स्टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत सारी कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है. द बेबी, जो छोटा नवजात बच्चा होता है वो 350 हड्डियों के साथ पैदा होता है, यानी छोटा बच्चा होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 350 हड्डियाँ, 350 बोन्स होती हैं भाई. द बिगेस्ट बोन इन द बेबी, सॉरी, द बिगेस्ट बोन इन द बॉडी इज फीमर. जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे बिगेस्ट में सबसे बड़ी जो हड्डी होती है क्या होती है, फीमर होती है. इन द थाई, और कहाँ पाई जाती है, जांघ के अंदर पाई जाती है. एंड द स्मॉलेस्ट इज स्टेप इज बोन इन द मिडल ईयर. और जो सबसे छोटी, जो स्मॉलेस्ट छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेप इज, जो कहाँ पाई जाती है, कान के अंदर पाई जाती है, हमारे मध्य कान के अंदर पाई जाती है, कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी. पर्सन बहुत बार इंपॉर्टेंट होता आता है, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें आता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर कहाँ पाई जाती है, जांग में, थाई के अंदर. और सबसे छोटी होती है स्टेप इज, जो कहाँ पाई जाती है, कान के अंदर. In an adult, the skeleton comprise around 30 to 40 of the total body weight. In an adult, एक युवा के अंदर the skeleton compressed, यानी इसको संकुचित कर देता है लगभग 30-40% हमारी total weight का. And half of this वेट इज वाटर, और इसका जो आधा होता है वो क्या होता है, पानी होता है. द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट
of the skull, the rib, limbs, backbone and the breastbone. जो human का skeleton होता है, यानी जो अस्थि तंत्र होता है, कंकाल होता है, उसके अंदर क्या-क्या शामिल होता है? खोपड़ी होती है, skull means खोपड़ी, rib जो फसलियाँ होती हैं, limbs जो हमारे अंगों के जो हड्डियाँ होती हैं, वो होती हैं, backbone पीछे की जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी से बोलते हैं, ब्रेस्टबोन छातियों की जो हड्डी होती है उन्हें बोला जाता है। ये सभी मिलकर क्या बनाती हैं? स्केलेटन बनाती हैं। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। अब जो ह्यूमन स्केलेटन हमारा, ये देखो यहाँ साथ में दिखा रहा है, वो स्केलेटन है, कंकाल है, इसके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं ये साथ हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा स्केलेटन होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, ध्यान देखो। सबसे पहले स्कल, स्कल होती है खोपड़ी, है यहाँ दिखाई दे रही है आपको, ध्यान से देखना। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन इनसाइड इट, जो खोपड़ी होती है वो सुरक्षा देती है किसको, हमारे जो अंदर की ब्रेन होती है उसको, दिमाग को, ब्रेन मीन्स दिमाग को सुरक्षा प्रदान करती है, कौन, खोपड़ी। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉकिंग इज टुगेदर। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टेट सीटेट वालों बच्चों के लिए और भी जो रेलवे के एग्जाम देते हैं, पुलिस का एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने जा रहा है यहाँ से, ये ध्यान से देखना। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 फ्लैट बोन्स, जो हमारी खोपड़ी होती है उसमें 8 फ्लैट बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। द 14 बोन्स टुगेदर मेक द फेसियल रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं, ध्यान देखना। खोपड़ी के अंदर 8 हड्डियां होती हैं तो चेहरे के अंदर कितनी होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। बच्चों ध्यान से नोट करना, आप भी इसको अलग से पॉइंट बना लेना कि जो हमारी शक्ल होती है, शक्ल मतलब खोपड़ी के अंदर आएंगी कितनी, 8, और जो फेस आता है उसके अंदर कितनी, 14 हड्डियां होती हैं। अपर एंड लोअर जॉब्स, जॉब होते हैं भी जबड़े, यानी ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े में कुल मिलाकर हमारी कितनी हड्डियां होती हैं, 14। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर नीचे देखते हैं, क्या दोनों जबड़े हैं वो हिलते हैं, नहीं, ओनली लो जॉब्स मूव, यस नीचे वाला जबड़े हिलता है, डू ओनली अपर जॉब्स, नो ऊपर वाला नहीं हिलता। ये भी बच्चों ध्यान देखना, जबड़ा चाहे आप जो अपना जबड़ा है, दांतों को ऊपर वालों को नहीं ला सकते, आप नीचे वालों को ला सकते हो, ऊपर वालों को नहीं ला सकते, तो इसलिए ओनली लोअर जॉब्स मूव, केवल नीचे वाला जबड़ा ही क्या होता है, मूव करता है। ध्यान से देखते रहना इसको, आगे देखते हैं, इसमें आगे आती है हमारी बैकबोन और स्पाइन। तो बैकबोन के अंदर देखते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो पढ़ते हैं इसके अंदर। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 33 बोन्स, जो स्कल होती है इसके अंदर हमारी 33 बोन होती है, कौन से वाली में, बैकबोन वाली में, जो अटैच्ड होती है किसे, खोपड़ी से जुड़ी होती हैं, अटैच में जुड़ी होती हैं। द बोन्स आर कॉल्ड वर्टेब्रा, जो ये जो हड्डियाँ हैं इन्हें बोला जाता है वर्टेब्रा बोला जाता है। ऑल वर्टेब्रा टुगेदर फॉर्म ए कॉलम दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड सपोर्ट द हेड। ऑल वर्टेब्रा होती हैं, जो सभी जो वर्टेब्रा होती हैं एक साथ निर्माण करती है कॉलम का, एक ढांचे का, जो रक्षा करता है हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको और सिर को बिल्कुल सीधा रखने में सपोर्ट भी सहायता करती हैं, कौन है, जो वर्टेब्रा होती हैं ये। आगे थे रिब्स, रिब्स होती हैं क्या, फसलियां, इधर देखो ध्यान से, ये हैं सारी रिब्स, फसली होती हैं ये, ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे ये होते हैं लॉक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वर्टेब्रा होते हैं सारे। हाँ भी आगे देखना, देर आर 12 पेयर्स सॉरी इसके लिए आगे देखते हैं, देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट फॉर्म ए केज, 12 पेयर होती हैं, कितने पेयर होती हैं ये, 12 इधर 12 इधर, यानी कि टोटल 24 हो गए, यानी इतने पेयर्स होते हैं हमारे, और ये एक केज एक पिंजरे का निर्माण करते हैं, और ये जो रिब्स आर डेलिकेटेड कवर्ड बोन्स, ये कवर मीन्स गोल गोलाकार में होती हैं सारी, एंड विच आर ज्वाइंट टू द बैकबोन, और जो किससे जुड़ी होती हैं, पीछे जाके बैकबोन रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, एंड द ब्रेस्ट बोन, और जो छाती की हड्डी होती है हमारी उससे जुड़ी होती हैं, पीछे बैकबोन से आगे ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती हैं, कौन, जो रिब्स होती हैं ये। उसके बाद आगे हमारा
द लास्ट टू पेयर्स कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, जो आखिरी के दो पेयर होते हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है, आर ज्वाइंट ओनली द ब्रेस्ट बोन, सॉरी बैक बोन, जो केवल किससे जुड़ी होती हैं, बैक बोन से। आखिरी के दो यहाँ से जो पेयर होंगे वो किससे जुड़े होंगे, बैक बोन से, उन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आगे है लिम्स। तो लिम्स क्या होते हैं, जो हमारे हाथों के जो अंग होते हैं, सॉरी जिसमें हड्डियाँ होती हैं, सारी इसी के अंदर आती हैं। द आर्म्स आर ज्वाइन टू द स्पाइन, जो हमारे हाथ होते हैं, आर्म्स जो बाजू है हाथ हैं, वो ज्वाइंट जुड़े होते हैं किससे, द स्पाइन, स्पाइन से, जो पीछे की हड्डी होती है हमारी उससे। विद द हेल्प ऑफ द शोल्डर, जो हमारे कंधे होते हैं उनकी सहायता से, गर्डल्स, जो कंधों की गर्डल्स होती हैं उनसे। विच कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ द शोल्डर ब्लेड्स एंड ए पेयर ऑफ ए कोलर बोन्स, और जो इसके अंदर शामिल होते हैं हमारे पास जो ब्लेड्स होती हैं कंधे की वो, और एक पेयर होता है कोलर बोन्स का, जो कोलर बोन्स होता है बिल्कुल जहां पर हमारी कलर आती है शर्ट की उसके नीचे ही कोलर बोन्स पाई जाती हैं। थाई बोन ऑफ फीमर फिट इनटू द हिप गर्डल्स एंड द एंड इज कनेक्टेड टू द लोअर लेग विद द नी ज्वाइंट, जो हमारी जांग की हड्डी होती है वो फीमर होती है वो किस में फिट होती है, जो हिप का होता है हमारा पीछे से उसके ग्रिडल में फिट होती है, एंड ये जुड़ी होती है किससे, लोअर लेग, नीचे वाली टांग से, विद द नी ज्वाइंट, जो हमारे घुटने का जोड़ होता है उससे जुड़ी होती है। ओके आगे नेक्स्ट देखते हैं। द बोन ऑफ द लिम्स आर हेल्पफुल इन डूइंग वेरियस एक्टिविटीज, जो हमारी लिम्स की जो बोन होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम करने में हमारी क्या करती हैं, सहायता करती हैं, लाइक वॉकिंग, चलने में, रनिंग, दौड़ने में, राइटिंग लिखने में, कैच पकड़ने में, इस प्रकार का सारी जो हेल्प होती है हमारी जो लिम्स की बोन होती हैं उनकी मदद से होता है। आगे आता है नेक्स्ट ज्वाइंट, जो जोड़ होते हैं, जोड़ क्या होते हैं वो देखते हैं। ए ज्वाइंट इज द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट, ज्वाइंट यानी जोड़ वो होता है जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। इफ द बॉडी कैन बैंड एट ए ज्वाइंट, यदि एक ज्वाइंट से जो हमारी जो शरीर है वो मुड़ सकता है, द ज्वाइंट इज कॉल्ड मूवेबल ज्वाइंट, उसी जोड़ को हम बोलते हैं मूवेबल जॉइंट, ज्वाइंट बोला जाता है, यानी जो मूव कर सकता है, मुड़ सकता है, चल सकता है उसे, वो उस जोड़ से, तो उसे बोला जाएगा जहां से हम बैंड हो जाते हैं उसी जोड़ को बोलते हैं मूवेबल ज्वाइंट। नी इज ए मूवेबल ज्वाइंट, जो घुटना होता है हमारा यानी घुटने का जोड़ होता है वो कौन सा ज्वाइंट होता है हमारा, मूवेबल ज्वाइंट होता है, क्योंकि वहां से हम मुड़ सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, ऊपर नीचे उठ सकते हैं वहां से। आगे है इफ द बॉडी कैन नॉट बैंड एट द ज्वाइंट, द ज्वाइंट इज कॉल्ड इमोबल ज्वाइंट, और जो शरीर का वो अंग जहाँ से, वो जोड़ जहाँ से हम मुड़ नहीं सकते, बैंड नहीं हो सकते, उन्हें इमोबल ज्वाइंट बोला जाता है। स्केल बोन्स आर इमोबल, जो खोपड़ी की हड्डियाँ उनके हम मोड़ नहीं सकते, तो ये सारी क्या हमारी इमोबल ज्वाइंट हैं, इनसे हम मुड़ नहीं सकते। इसके अंदर हमारा टाइप ऑफ ज्वाइंट, अब ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं ये सीखते हैं। पहला है हिंग ज्वाइंट, जो हिंग ज्वाइंट होते हैं क्या होते हैं, द ज्वाइंट ऑफ एल्बोज नीज फिंगर एंड टोइज हेल्प टू बॉडी पार्ट टू मूव इन वन डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में जो जोड़ शरीर को मोड़ने में मदद करता है वही जोड़ क्या कहलाता है, हिंज ज्वाइंट कहलाता है। जैसे हमारे घुटने का जोड़ एक ही डायरेक्शन में हम इसको मोड़ सकते हैं, दूसरा उंगली के जोड़ होते हैं वो टोए पैर के अंगूठे के जोड़ दिए एक ही दिशा में हमारे शरीर को जो अंग है उनको मोड़ा जा सकता है यहाँ से, इसलिए इनको कौन सा ज्वाइंट बोला जाता है, हिंज ज्वाइंट बोला जाता है। आप घुटने को केवल एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट में हम घुटने से नहीं मोड़ सकते, यानी ओनली वन डायरेक्शन, इसलिए इनको बोला जाता है हिंज ज्वाइंट। सच ज्वाइंट आर कॉल्ड हिंज ज्वाइंट, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इस प्रकार के ज्वाइंट को क्या बोला जाता है, हिंज ज्वाइंट। कौन कौन से हो गए हमारे पास, एल्बो नी यानी कोहनी घुटना उंगलियों के जोड़ अंगूठा पैर वाला इनके जोड़ सारे क्या कहलाते हैं, हिंज ज्वाइंट कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द नेम ऑफ फोर हिंज ज्वाइंट, तो आपको बताना है एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, फिंगर ज्वाइंट और टोए ज्वाइंट। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होते हैं, दे पढ़ते हैं इनको, द शोल्डर ज्वाइंट अलाउज रोटेशन, रोटेशन होता है चारों ओर ऑफ आवर आर्म्स,
जो हमारे जो कोने का सॉरी कंधे का जोड़ होता है वहाँ से चारों ओर रोटेशन में घुमाया जा सकता है हाथ को बाजू को। वन बोन दैट एंड इन ए बाल, एक जो हड्डी होती है इनमें वो एक बाल की शेप में होती है, फिट इनटू द सॉकेट, एक सॉकेट में होती है, एक सॉकेट फिट होती है, ऑफ द अदर बोन, दूसरी हड्डी की जो खांचा होता है उसमें फिट होती है, एक हड्डी में जो बाल होती है वो। द शोल्डर ज्वाइंट इज देयर फोर कॉल्ड द बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये ध्यान देखना, ये जो है एक सॉकेट होती है यहाँ पर, ये जो सॉकेट है खड्डा इसके अंदर दूसरी साइड की जो हड्डी होगी वहाँ पर गोल होगी, आगे से बाल जैसी होगी इसमें फिट हो जाएगी और यहाँ से फिर वो मूव करेगी, इसलिए इसको बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोला जाता है। ये रोटेशन करता है चारों ओर घूमता है यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं आगे, आगे है पाइवट ज्वाइंट। जो पाइवट ज्वाइंट क्या होते हैं, वी कैन मूव अवर हेड साइड वे, हम अपने जो सिर है उसको साइड बाय साइड घुमा सकते हैं, अपवर्ड ऊपर नीचे घुमा सकते हैं एंड डाउनवर्ड नीचे की तरफ घुमा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइवट ज्वाइंट। ये पाइवट ज्वाइंट के अंदर से हम इसको लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन घुमा सकते हैं, किसकी सहायता से, पाइवट ज्वाइंट की सहायता से। इट इज द ज्वाइंट बिटवीन द सकल एंड द फर्स्ट वर्टेब्रा, ये जो पाइवेट ज्वाइंट होता है ये हमारी खोपड़ी और जो रीढ़ की हड्डी के पीछे जो हड्डियाँ छोटी छोटी होती है जो वर्टेब्रा होती हैं उनके बीच में होता है, जो पहली वर्टेब्रा होती है और सकल होती है उसके बीच में होता है। ओके, कौन सा, पाइवेट ज्वाइंट, यानी लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन यहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होते हैं, अवर ज्वाइंट एट द रिस्ट एंकल एंड बिटवीन द वर्टेब्रा अलाउ अवर एंकल, दोबारा से देखते हैं इसको, ग्लाइडिंग ज्वाइंट अवर ज्वाइंट एट द रिस्ट एंकल एंड बिटवीन द वर्टेब्रा अलाउ अवर एंकल रिस्ट एंड द बैकबोन टू बैंड ट्विस्ट एंड टर्न एट ईच ज्वाइंट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये समझना, ध्यान से देखना, अवर ज्वाइंट एट द रिस्ट, जो हमारी कलाई होती है, एंकल जो टकना होता है, एंड बिटवीन द वर्टेब्रा अलाउज अवर एंकल, और जो हमारे एंकल होता है जो घुटना होते हैं टकने होते हैं वहाँ से मूवमेंट होता है, कलाई का मूवमेंट होता है, बैकबोन का हमारा जो गर्दन का मूवमेंट होता है, वर्टेब्रा जहाँ से और खसकल के बीच में होता है वो, टू बैंड मुड़ती है जहाँ से घूमती हैं, ट्विस्ट चारों ओर घूम जाती हैं, ठीक है ना, एंड टर्न एट ईच ज्वाइंट, और प्रत्येक जोड़ से वो मुड़ जाती हैं, ये सारे ज्वाइंट क्या कहलाते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, जो हड्डी तंत्र होता है उसके कार्य क्या क्या है। हमने ये पढ़ा सकल में कितनी बोन्स होती हैं, 8, फेस के अंदर कितनी होती हैं, 14, ये सारा पढ़ने के बाद ज्वाइंट पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं इनके जो स्केलेटन सिस्टम होता है इसके जो फंक्शन इस कार्य क्या है वो पढ़ते हैं। इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी, सबसे पहला काम है ये हमारे शरीर को क्या देती हैं, एक आकार देती हैं, गिव मिस देती हैं, शेप मिस आकार, और मिस हमारी बॉडी मिस शरीर। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट आवर इंटरनल डेलिकेटेड ऑर्गन्स, जो हमारे संवेदी बिल्कुल ही सॉफ्ट जो अंग हमारे अंदर के नाजुक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। होलोज ऑफ द बोन इज फिल्ड विद बोन मैरो इन विच ब्लड सेल आर फॉर्मेट, जो होलो होते हैं हड्डियों के उनके अंदर फिल्ड भरा होता है बोन मैरो, बोन मैरो भरा होता है, इन विच ब्लड सेल्स, जो खून की सेल है उनका क्या होता है, निर्माण होता है। आगे है बोन्स आर रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। आगे देखते हैं मैस्कुलर सिस्टम, जो मांसपेशीय तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, अब अभी हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ लिया है। द मसल्स आर अटैच टू द बोन, जो मांसपेशियां हैं वो जुड़ी होती हैं किससे, हड्डियों से। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग मूवमेंट इन आवर बॉडी, वे क्या करती हैं, हमारे शरीर की गतिविधि में हमारा साथ देती हैं, सहायता करती हैं। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ
650 मसल्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं, 650 मांसपेशियां शामिल हैं या होती हैं। दीज मसल्स टुगेदर फॉर्म ए मैस्कुलर सिस्टम। ये सभी मांसपेशियां एक साथ मिलकर मांसपेशी तंत्र का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप ऑफ मसल्स। हमारे शरीर में तीन प्रकार की क्या होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। नंबर वन कार्डिक, नंबर दो वॉलेंट्री और नंबर तीन होता है इनवॉलेंट्री। सबसे पहले देखते हैं हम कौन सी मसल्स देखते हैं, हम सबसे पहले कार्डियक जो मसल्स होती हैं वो देखते हैं। दीज आर द मसल्स ऑफ हार्ट। कार्डियोलॉजी जो विज्ञान होता है बच्चों, होता है हृदय संबंधी, और जो दिल का डॉक्टर होता है, हार्ट का डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इसलिए यहाँ पर कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, ये किससे संबंधित होती हैं, हार्ट के अंदर। जो हमारे दिल के अंदर जो मांसपेशियाँ होती हैं वो सारी क्या होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं। उसके बाद आता है वॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल एंड आर अंडर आवर कंट्रोल। दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग, ये जो मांसपेशियां हैं आवर विल, विल मीन्स इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, एंड आर अंडर आवर कंट्रोल, और हमारे नियंत्रण में होती हैं ये जो मांसपेशियां सारी। यानी जो हम सोचेंगे, जो हम चाहेंगे, वही कार्य कौन सी मांसपेशियां करती हैं, वॉलेंट्री मांसपेशियां करती हैं। एग्जाम्पल मसल्स ऑफ लेग एंड आर्म, यानी जब हाथ और पैर को तब जब हम हिलाएंगे तभी ये हिलेंगी, अदरवाइज नहीं लेंगी, ये हमारे कंट्रोल में काम करती हैं। इसलिए इन मसल्स को क्या बोला जाता है, वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। यानी जो हमारे नियंत्रण में जो मसल्स होती हैं, जो हमारे कहने पर चले हिले डुलें, वो सारी मसल्स क्या कहलाती हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट इन वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, अपोजिट होंगी इसकी डायरेक्टली है। आगे है दीज मसल्स हेल्प टू मूवमेंट ऑफ, दीज मसल्स हेल्प द मूवमेंट ऑफ फूड इन अवर फूड पाइप एंड इंटेस्टाइन, और दे हेल्प द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेजल्स। ध्यान से सुना बच्चों, दीज मसल्स हेल्प, ये जो मांसपेशियां सहायता करती हैं मूवमेंट गतिविधि में ऑफ फूड भोजन के, इन फूड पाइप जो हमारे भोजन आहार नल है उसके अंदर जो भोजन का गतिविधि होती है, चलता है, उसमें सहायता करती हैं कौन, इन वॉलेंट्री मसल्स। जब हम खाना खाते हैं गले में जाता है, गले से नीचे तक जाता है, उसमें सहायता कौन सी मसल्स करती हैं, इन वॉलेंट्री मसल्स करती हैं। और हमारी जो आते इन इंटेस्टाइन क्या होती हैं, आते होती हैं, उसमें भी भोजन की मदद करती हैं। दे हेल्प द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन ब्लड वेजल, जो खून की जो नसें होती हैं हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं उनके अंदर ब्लड को चलने में भी मदद करती हैं, कौन सी, इन वॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं वो। तो अभी हमने पढ़ा कार्डिक मसल्स कौन सी होती हैं, जो हमारे दिल में होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में हमारी इच्छा के अनुसार काम करें, और इन वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं, जो हमारे भोजन को आहार नल में चलने में सहायता करती हैं, आंतों में मदद करती हैं चलने में भोजन के, और जो ब्लड वेजल के अंदर जो ब्लड चलता है उसमें खून चलता है उसमें मदद करने वाली जितनी भी मसल्स होती हैं वो सारी होती हैं इन वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं रेस्पिरेशन श्वसन। अब रेस्पिरेशन होता क्या है, जो हम जितना भी सांस लेने से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं वो सारी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित होती हैं। यहाँ सबसे पहले पढ़े हम कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी ऑर्गान्स ऑफ आवर बॉडी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज। जो हमारा श्वसन होता है, श्वसन वाले अंग होते हैं हमारे शरीर के, वो जितनी भी प्रोसेस होती हैं गैस के आदान प्रदान की उनमें शामिल होती हैं। यानी जो गैस का आदान प्रदान होता है वे सारे अंग किस सिस्टम में शामिल होते हैं, वो सारे रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र के अंदर आते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो हमारा श्वसन तंत्र होता है वो पूर्ति करता है, यानी भेजता है किसकी, ऑक्सीजन की सप्लाईज करता है
टू द बॉडी, हमारे शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो कौन भेजता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भेजता है, एंड रिमूव्स, हटाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 होती है उसको बाहर फेंकता है, बाहर निकालने काम, और ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचाने का काम भी किसका होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। वी नीड ऑक्सीजन टू बर्न द फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आपसे होती है, टू बर्न द फूड, भोजन को पचाने में, जलाने में, जलाना में जो अग्नि से होता है, जठाग्नि बोलते हैं इसको, यहाँ पर भोजन जठाग्नि के द्वारा पचता हमारे शरीर के अंदर, तो भोजन को पचाने में ऑक्सीजन की यानी इसको जलाने में हमारी मदद करती है कौन, ऑक्सीजन, एंड रिलीज, और वहाँ से भी ऑक्सीजन निकलती है, रिलीज मीन्स निकलना। बच्चों जब हमारे भोजन का पाचन होता है वहाँ से जो पावर होती है वो निकलती है और जो ऑक्सीजन होती है वो भी निकलती है जो हमारे शरीर में काम होती है। द एयर वी ब्रेथ इन गोज फ्रॉम द नोज टू द वाइंड पाइप और ट्रेचिया, ध्यान से ना बच्चा, द एयर वी ब्रेथ, जो हवा हम सांस में लेते हैं, इन गोज फ्रॉम द नोज, जो नाक के जरिए जाती है हमारे जो सांस लेने वाले पाइप में, उसमें द वाइंड पाइप एट द लोअर एंड डिवाइड इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंची, जो हमारे हवा का जो श्वसन पाइप होता है वो नीचे जाकर दो भागों में, दो ट्यूबों में बढ़ जाता है, जिन्हें का क्या कहा जाता है, ब्रोंची कहा जाता है। दीज गो इनसाइड द लंग्स, ये अंदर जाके फेफड़ों में जाते हैं, ध्यान से देखना बच्चा इस फिगर में, ये हमारा हवा का जो पाइप है, वाइंड पाइप है, नीचे जाके यहाँ पर एक इसमें चल जाता है, एक इस फेफड़े लंग्स में चल जाता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, ब्रोंची बोला जाता है, यहाँ से आगे दो टुकड़े और इसके दो पार्ट्स हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, द लंग्स अब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, जो फेफड़े होते हैं लंग्स में, फेफड़े अब्जॉर्ब में सोख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जो फेफड़े वो सोख लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ब्रेथड आउट थ्रू द नोज, जो हमारी नाक के द्वारा बाहर सांस के में छोड़ दी जाती है। द ब्लड टेक अप द ऑक्सीजन प्रजेंट इन द एयर, जो खून है वो ऑक्सीजन को ले जाता है जो हवा में होती है। द ऑक्सीजन रीचिज वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से बच्चों, सभी ध्यान से देखना। द ऑक्सीजन रीचिज वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँच जाती है विद द हेल्प ऑफ किसी सहायता से, हीमोग्लोबिन की सहायता से, यानी हीमोग्लोबिन है वो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में किसको पहुँचाता है, ऑक्सीजन को पहुँचाता है। आगे देखते हैं, द ऑक्सीजन ऑक्साइडिज फूड एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, जो ऑक्सीजन है ऑक्साइड बनकर भोजन के भोजन का ऑक्साइड बनता है, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा उपलब्ध करवाती है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में इसका पार्ट दो आएगा, तब तक के लिए आप इसको पढ़ो ध्यान से अच्छे से, इसके जितने भी वर्ड मीनिंग बनते हैं वो कॉपी में करो, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनको कॉपी में नोट करना, और जो बच्चे बड़े बच्चे देख रहे हैं जो एसटेट सीटेट के अंदर ईवीएस का पोर्शन है, यहाँ से 2-3% जरूर करोगे वो भी ध्यान से देखना, तब तो आई थिंक सबको अच्छे समझ में आएगा। सभी बच्चों को थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।